हेलो गाइस, हमने ने आपको बताया था कि हम वहाँ से निकल चुके हैं कुल्लू से, तो हम लेट हो गए थे, राफ्टिंग कर रहे थे थोड़ी बहुत, आपको पता ही है, देखा हुआ आपने। तो भाई अभी हमने थोड़ा खाना छाना खाया, तभी हम रास्ते पे, अभी भाई हमने डिसाइड किया है कि पूरी रात आज गाड़ी चलेगी पूरी रात, ठीक है, क्योंकि हमने जम्मू पहुँचना है। तो भाई अभी हम कौन सा रास्ता भाई, ये भाई जी पालमपुर वाला रास्ता है, पालमपुर वाला कोई रास्ता है भाई ये, सही बात है भाई? हाँ। जहाँ से बोल रहे हो भाई को? नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ भाई, ये पालमपुर वाला रास्ता है। ठीक है गाइस, ये पालमपुर वाला रास्ता है, तो हम इसी से जम्मू जाएंगे। हाँ। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। हाँ। ठीक ठाक जम्मू पहुँचे हम, तो जय माता दी इसी के साथ देते हैं, फिर आपको आगे जाके अपडेट थोड़े। तो हेलो गाइस, ये रास्ते में टनल आ गया एक। ओ भाई कितना तगड़ा है यार, कितना तगड़ा, बहुत तगड़ा लग रहा है भाई ये तो। भाई ये मैं भी समझ लग रही भाई, कंफर्म है रास्ते में टनल है भाई, उसमें आप है टनल है, मैप ही नहीं खुल रहा, मैप ही नहीं खुल भाई। अगर ये रास्ता गलत हुआ तो दीपक के साथ क्या करना है, सबने सोचा हुआ है? बानु आपने क्या सोचा कुछ दीपक के साथ करने के लिए? भाई इतना तगड़ा टनल है यार, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ओ गाइस, एक सेकंड गाइस। ओ गाइस, सॉरी गाइस, एक सेकंड गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये काफी अच्छा टनल है, देख सकते हैं गाइस। ओ भाई, देख सकते हो बहुत ही शानदार टनल है, काफी लंबा टनल लग रहा है ना, लाइटें बंद ही नहीं हो रही, टनल डरावना नहीं यार, गाड़ियां तो दिख रही है ना कम से कम, ठंडा बहुत है यार ये टनल तो, रातों रात तैयार हो गया आप देख रहे हो वीडियो में, काफी लंबा टंडल लग रहा है ये गाइस, आई थिंक हम एक किलोमीटर तक, मैंने आधे 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 रास्ते से वीडियो बनाना शुरू किया टनल के, क्या कहते हो भाई? भाई ये भाई बहुत लंबा टंडल है भाई ये तो, दो किलोमीटर से लंबा लग रहा है यार मुझे तो, 2 किलोमीटर से भी लंबा लग रहा है, मुझे लग रहा है नाचरी वाला टनल से लंबा, अब खत्म होने वाला है भाई, कौन सा टनल है ये? नहीं है भाई, नहीं खत्म है, बारी किसने खोली हुई है? बारी बंद कर, धुआं आ रहा है अंदर, जो भी होता है क्या होता है भाई, किसी ने ट्यूशन लेनी होगी तो इनसे ले लेना। लो भाई तुम कह रहे थे खत्म हो गया, मोड़ आया वो भाई, भाई ये देख सकते हैं टंडल में मोड़ आ गया, पर टंडल खत्म नहीं हुआ अभी तक, टंडल भाई आज रात को खाएंगे भी टंडल। हाँ। भाई ये लगता है भाई ये लगता है ये टंडल ना, मुझे लगता है भाई जम्मू जाके छोड़ेगा हमें, या तो हमारे घर के नीचे निकला हुआ ये तो। आप सबको बता दूं कि इस टनल के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, पर मेरे को इस टनल का पता है थोड़ा बहुत, सुना है, वैसे सुना नहीं है, वैसे एक्सपीरियंस बंदा ये जिसने मेरे को बताया है। जी जी बताओ आप। ये टनल निकलता है भाई नंदनी, पता है अपना? हाँ जी हाँ जी, नंदनी पता है मुझे, ये भाई कटरा में है वो, तो मेरे से पीछे जो नंदनी है भाई, अभी हम नूरपुर नहीं पहुंचे, टनलों में निकलता है ये। सच में ये टनल है पूरा? ओके ओके, अब खुल रहा है, अब खुल रहा है। और भाई ये साथ में मैं बता, भाई नहीं खुल रहा, ये सांस नहीं ली जा रही यार, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है हमें, खुल गया। ओ भाई थैंक यू सो मच, बट दो रास्ते हैं, दो रास्ते, ये आगे भाई लवड़ू ललित बैठा होगा, तो भाई गलती से निकल गया इनके मुंह से, कुछ छोड़ो भाई जान दो, कहाँ आ गए हम, गूगल मैप खोल,
पर दो रास्ते पर भाई दो रास्ते हैं ये। तो भाई ये रास्ता है जो हिमाचल का हाईवे रास्ता है। तो भाई एक चीज कहूँ भाई, हिमाचल का हाईवे भाई एक चीज कहूँ मैं अनफोर्स में एक चीज बता दूं फर्स्ट टाइम भाई ये देखो हम इसके नीचे जा रहे हैं ये पहाड़ी के कट के नीचे। अनफोर्स एक चीज बताऊं फर्स्ट टाइम इस साइड पहाड़ी उस साइड पहाड़ी बीच में क्या पता बीच में भाई पानी है इसके मुझे भी यही लग रहा है। तो कसम से फर्स्ट टाइम भाई ये दूसरी साइड में आपको दिखा नहीं पा रहा दोनों साइड पहाड़ है बीच में से रोड जा रही है बट बीच में जो गैप है ना दिख ही नहीं रहा है। सच्ची बता आसमान ही नहीं दिख रहा भाई दोनों साइड पहाड़। ओ भाई भाई सामने दिखाओ यार भाई ये देख रहे हो पहाड़ है भाई लैंड स्लाइडिंग का डर आ गया हमें बहुत नीचे पानी देख सारे कितनी तेज आ रहे हैं यहाँ से भाई देखो यहाँ से गाड़ियों वाली सभी तेज जा रहे हैं। चंडीगढ़ वाला गाड़ी स्लो जा रहा है पता है भाई इसको पता नहीं है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है और यहाँ बहुत खतरनाक लैंड स्लाइडिंग होती है। हमें कुछ बंदों ने वहां पे बोला भी था कि ये रास्ता तो अच्छा है खुला डुला है पर यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग काफी होती है। तो गाइस क्या ही बोले हम सेफली घर पहुंच जाए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई सेफली पहुंचेंगे ऐसे कुछ नहीं होगा। गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि एक डैम आ गया यहाँ पे इसका नाम एग्जैक्टली तो नहीं पता है पर कोई पंडो डैम करके है। पंडो बहुत सही जगह यार वीडियो में शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही हो पर बहुत ही ज्यादा सही जगह है। अभी हम डैम के ऊपर से जा रहे हैं ये देखो गाइस ऑसम गाइज आपको साइड पे रुक के व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा दिखाते हैं आपको वेट गाइज आप देख सकते हैं देख सकते हो भाई साहब बहुत सही है ये रहा ब्रिज पुल। फोटो खींचना मना है पर फिर भी। तो हेलो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पहुंचे भाई जोगिंदर नगर। तो भाई धीरज का थोड़ा मन खराब हो गया था तो हम रुके हुए वॉशरूम के बाहर। तो भाई रात के बज रहे हैं 12:30 और आई थिंक आप कितने घंटे से ड्राइव कर रहे हो जी अंशुमन जी साथ भाई हमारे अंशुमन फाइटर साहब 6 घंटे से ड्राइव कर रहे थे तो अभी मैं करने लगा हूँ। मैं तो भाई थोड़ी सी करके सो जाऊंगा वापस क्योंकि हमारे धीरे जी का थोड़ा सिस्टम खराब है पीछे। तो ठीक है गाइस अभी देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं वहाँ जाके करते हैं आपसे और अपडेट देते हैं आपको। तो हेलो गाइस अभी हमने काफी सफर तय कर दिया है तो भाई अभी हमने रुक के चाय पी थी वहां से वापिस आ गए हमारे गाड़ी चलाने वाले आदमी सॉरी भाई वापस गाड़ी चला रहे हैं हमारे दोस्त अंशुमन और मैं आ गया हूँ पीछे रेस्ट करने के लिए। तो 3.5 घंटे गाड़ी चलाई है आपके भाई ने तो भाई 5 घंटे लगातार अंशुमन में भी चलाई अभी वापस चला रहे हैं वो। तो भाई ये वापस वही काम हो गया आज सुनसान रोड वाला यार आई पूरी रात ट्रेवल किया हम लोगों ने पूरी रात का मतलब समझ सकते हो भाई सुनसान रोड में देख लो सामने रोड भाई पूरी सुनसान रोड है ये। और उसके बाद हम आते टाइम आए थे ना भाई लखनपुर वाली साइड से पठानकोट वाली साइड से तो भाई अभी हम ऐसा है कि भाई अभी हम उस साइड से नहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है 9 के बाद लॉकडाउन लग चुका होगा जाने देंगे ना जाने इसलिए हम शॉर्टकट मार रहे हैं। तो दीपक भाई कौन सा रास्ता है बताएंगे बसोली पुल वाला रास्ता है ये भाई बसोली पुल वाला रास्ता है ये हमने लिया है पठानकोट के रास्ते। हाँ पठानकोट का कोई हाईवे था यहाँ से पीछे टर्न लेना था मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई क्योंकि काफ़ी थक चुके थे गाड़ी ड्राइव भी कर रहा था मैं तो वहीं से कहीं टर्न लिया हमने बसोली वाला रास्ता किसे पूछ लेना। तो ये वाला रास्ता निकलेगा भाई कहाँ से निकलेगा ये वाला रास्ता निकलेगा बसोली मानसर लेक भाई ये किसी मानसर लेक के आसपास से रास्ता निकलेगा पर भाई रास्ता भाई काफ़ी अकेला है यार बहुत डर लगता है यार भाई क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 3:30 या 4 का टाइम होगा
और रास्ता देखो भाई, सुनसान रास्ता भाई, ना आदमी ना घर ना कुछ, कुछ भी हो सकता है भाई। डरना जरूरी है, 150 मीटर की हुई है यार बोला था। अरे भाई कसम से डर लग रहा है यार, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। धीरे यार, भानु प्रताप डर लग रहा है आपको थोड़ा बहुत? डर तो नहीं लग रहा, पर आज नहीं लग रहा है, अकेलापन जरूर लग रहा है, अकेलापन फील हो रहा है। तो भाई रात के 3:30 बजे क्या तुम्हें आर्मी चाहिए? नहीं आर्मी तो नहीं, बट कोई आते जाते गाड़ी दिखते है ना थोड़ा। आते जाते गाड़ी कहाँ दिखे भाई, जो है यही है, सहारा मिल जाता है इंसान को। सहारा तो भाई हम ही है अभी तुम्हारे, तो तुम हमारे। चलो गाइस देखते हैं क्या हुआ, आज रात भी पूरी रात सो नहीं पाया भाई, एक सेकंड भी नहीं सोया गाइस आज, एक सेकंड नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई चलो गाइस देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हम सोलिया वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाई रास्ते की कंडीशन देखो, रास्ते की कंडीशन देखो भाई, वापिस पठानकोट वाले रास्ते से जा रहे हैं। बाकी जिस चक्कर से यहाँ से जा रहे थे भाई, बहुत ही बुरा हाल है भाई रोड का, बहुत ज़्यादा भाई भाई बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, यहाँ बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से हम वापस जा रहे हैं भाई। काफ़ी यार अभी ना इतना मूड ख़राब हो चुका है ना यार, कहने की बात नहीं है। सारा ब्लेम दीपक पे, ब्लेम भाई, ब्लेम वाली बात नहीं है, दीपक पे कोई ब्लेम ब्लेम नहीं है, बस ऐसे कह रहे हैं कि इतना मूड ख़राब हो चुका है ना अभी भाई। ये देख लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है, दीपा भाई को क्या बता गई, लैंड स्लाइडिंग होगी, बट फिर भी यार ये देख सकते हो आप भाई इस टाइम ना, छोड़ो यार, तो फिर भी यार पत्थर वत्थर बिड़े हुए हैं रोड में। कितने किलोमीटर आई होगी दीपा का, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो थोड़ा ज्यादा नहीं है ना, स्लाइडिंग होगी पूरी भाई, लैंड स्लाइडिंग पूरी की पूरी लैंड स्लाइडिंग रोड में। सामने देखना चार त्रियों है ना, चार 445 ऊपर कुदिया के ऊपर, हां 445 से गाड़ी रुकी है, देखो भाई ये तो भाई पूरा पहाड़ नीचे आ चुका है यार यहां से, तो एक मिनट रुक के पत्थर के यहां, नहीं नहीं जान दे हूं भाई, ये देख रहे हो भाई, ये पत्थर आए थे ऊपर जान दे राइट साइड भाई, ये रास्ता ही पूरा क्लोज, ये पहाड़ भाई नीचे आ चुका है पूरा रोड में। तो ठीक है गाइस अभी हम यहां से चलते निकल रहे हैं, क्योंकि भाई यहां रुकना सेफ नहीं लग रहा हमें। ठीक है गाइस सुबह के बज रहे हैं अभी 4:10, देते रहेंगे आपको अपडेट। फाइनली गाइस हम हाईवे पे पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी देर में लखनपुर आने वाला है, तो टोल क्रॉस करना है वो, देखते हैं अभी अभी लॉकडाउन का भी थोड़ा सीन है, देखते हैं टेस्टिंग होती है नहीं होती है, देखते हैं अभी क्या होता है गाइस, बताते हैं आपको। हेलो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अब पूरी रात चलने के बाद पहुंच चुके हैं अभी ये गांधीनगर कॉलेज के बाहर। तो भाई बहुत बुरी हालत है, पूरी रात एक सेकंड नहीं सोए, ऐसे सबको गुड मॉर्निंग भाई, हमारी गुड मॉर्निंग तो बहुत बैड मॉर्निंग है, क्योंकि रात को एक मिनट भी सोए, पूरी रात ट्रेवल किया हम लोगों ने, और रास्ते में जब पहुंचे जम्मू वाली साइड तो इतनी बारिश लग चुकी थी ना भाई, तो आप यहाँ पहुंच चुके हैं जम्मू गांधीनगर कॉलेज के बाहर। तो गाइस ठीक है अभी हमने कटरा जाना है, बट थोड़ा जम्मू में काम है तो वो काम फ्री करके भाई ये देख लो जम्मू का व्यू भाई, हमारा जम्मू भी ना हिमाचल मनाली से कम नहीं है यार, यहाँ भी हम घूमते हैं, जन्नत है हमारी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जन्नत है भाई हमारी, देख लो भाई व्यू सुबह मॉर्निंग का व्यू देख लो भाई यहाँ का। ठीक है गाइस थोड़े फ्रेश हो लेते हैं, अभी कटरा भी जाना है, फिर देखते हैं क्या होता है गाइस। फाइनली गाइस हम अपने जम्मू कटरा हाईवे पे आ गए हैं घर की तरफ चलते हुए, तो ये देख सकते हैं साहिल जी ड्राइव करते हुए, ड्राइव कर रहे हैं
गाइस, बहुत ही टफ सफर रहा वैसे तो। अब आपको ब्लॉग आएगा जब आपको पता चल ही जाएगा। इस सफर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस सफर ने हमें बेसिकली बहुत कुछ सिखा दिया है सीरियसली। लेट्स सी, अब देखते हैं ब्लॉग में आपको क्या क्या दिखता है। सो ब्लॉग का वेट कीजिए एंड ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मानव प्रताप सिंह, विद साहिल बख्शी, टर्न ऑफ। तो हेलो गाइस, ये जिस दिन हम कटरा पहुंचे गए उसका दूसरा दिन है। तो भाई यहाँ से ख़त्म होता है हमारा ट्रिप और ये ब्लॉग। आप जब आगे जाएंगे कहीं पे तो आपको ज़रूर बताएंगे कहाँ पे गए थे। तो अब मैं जा रहा हूँ घर और ये रही मेरी दिनू। तो ठीक है गाइस, लव यू सबको और बहुत सारा प्यार। मिलते हैं फिर वापस चलते।